तुम लोगों की मैं वाट लगा दूंगा। अब जो मैं बोलूंगा वही तुम करोगे। अब गन को अपने सर पर रखो। अब ट्रिगर। नहीं 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 शरद, नहीं नहीं, ये इंसान मर जाएगा। हाँ, बंदूक से चोली गल जाएगी। क्या? मर जाएगा वो, चोली गल जाएगी। चोली क्या? एक मिनट, चोली गल। ये देखो, ये च, ये ग, तुम्हें कहना है गोली चल जाएगी, गोली चल जाएगी। समझे? समझा? पुलिस आ गई है, कोई अपनी जगह से नहीं रहेगा, वरना वरना गोली मार दूंगा। देखा, मैंने कहा था ना, अच्छे इंसान और पुलिस हमेशा एंड में आते हैं। ओहो, मोस्ट वांटेड डॉन या भाई। ओए, घे एनु आत्मा दे, अब बदला सामान पुलिस ना ताबा में ले लो। अरे पकड़ा गया ना। मिस्टर घोटाला, आप लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत चंगा किया। मतलब हमारा इरादा वो नहीं था, हम अच्छे इरादे से गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे सब चंगा हो गया। मिस्टर घोटाला, चंगा मतलब अच्छा, मैं पंजाबी में बोला। नहीं, आप तो शर्ट पैंट में बोले, पंजाबी पहनकर तो लड़कियां बोलती हैं, लड़के नहीं। पंजाबी लड़की? मिस्टर घोटाला, आपका मुंडा ना बहुत सोना है। सोना मतलब चंगे के ही आजू बाजू में। लेकिन जी, आप सब येड़ा भाई के अड्डे पे कर क्या रहे थे? फोन कर, फोन। Excuse me. Yes, sir. हाँ, येड़ा भाई तो अंदर है, ये तो ना। मिस्टर घोटाला, मैं अपने सवाल का जवाब लेने वापस जरूर आऊंगा। लो, खुश रहो। हाँ, क्या पापा मसल्स वगैरह बन गए? क्या कर रहा है? क्या पापा, मेरा ही जन्मदिन है, मुझे ही मिठाई नहीं। हाँ ले। एक मिनट एक मिनट, पहले मैं पूल में डुबकी मार के आता हूँ, उसके बाद अपने हाथों से खिलाने, ठीक है? अच्छा अच्छा, जल्दी। ए चल मानव, आजा आजा बाहर आजा। अरे मैं ऐसे, मानव मानव मारा, मानव बचाओ बचाओ, अगर बचे तो, नहीं तो ऐसा ना करने वाला हूं, आजा। क्या पापा, कभी तो डरा करो। अरे क्यों डरू मैं, हैं? मैं जानू मारा मानव हर बात में सबसे अव्वल है, तो सीना तान के मैं गर्व महसूस करूंगा ना कि डरूंगा। हुँ? देखना पापा, आपको एक दिन ऐसा डराऊंगा कि आप लकड़ी लेकर पीछे भागोगे मेरे। जा जा। और बोलोगे कोई अपने बाप को ऐसे भी डराता है क्या? कामयाब तो तू हो बेटा, पर आदो डरा तो दिया तूने तारे बाप को, पर अफसोस अब तारा ये बाप अरे पीछे लकड़ी लेके नहीं भाग सकेगा, और ना ही मशाल लेकर तारी अर्थी के आसपास। तारी मृत देह भी मिल जाती ना बेटा,
तो कम से कम खुद को तसल्ली तो दे देता और जला देता उस झूठी उम्मीद को, जिसके सारे लाजो और रैना की आंखों में मैं धूल झोंकता आ रहा हूं। अंकल ओझा, ऐसे पानी को क्या घूर रहे हैं? पानी को घूरने से उसमें से मानव सरप्राइज करके बाहर नहीं आएगा। ना बेटा, वो तो मैं अंकल, मुझे सब पता चल गया है। मानव ऊर्जा किस बटालियन में है और आमी ने उसे कौन से सीक्रेट मिशन के लिए भेजा है, मैंने सब पता कर लिया है। अंकल ओझा चल, आप मैंने आपके लिए, अपने लिए और आंटी लाजो के लिए सियाचिन आर्मी बेस जाने के सारे अरेंजमेंट्स कर लिए। अगले हफ्ते हम मिलेंगे मिस्टर मानव, सॉरी लेफ्टिनेंट मानव ओझा से। ओह ओह, ये धीरे रो रही है तो तू धीरे कंपनी देना। सर मेरा भी जोर से रोने का मन कर रहा है। रो। मैं कितनी उम्मीद थी वसंत, हमारा 2015 में मिल जाएगा। सर, मुझे यहाँ पे प्रीतेश और मितेश की खुशबू आ रही है। शायद हमारे गैर मौजूदगी में यहाँ पे आके गए वो। ढूंढो, शायद यहीं पे हो। चलो 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 चलो। निशान आते हुए भी और जाते हुए भी। तो लॉजिकली सोचे वो हमारे खिलाफ सबूत ढूंढने आए थे जिसके जरिए वो हमारी असलियत जान सके। पापा ये देखिए, ये वही है। अरे ये तो हमारा लाल द्रव्य है 070। इसके हाथ कैसे लग गया? राजिंदर ने ऐसा ही वायल दिखाया था। ये वही वायल है जिसे वो एलियन का वायल बोल रहा था। मितेश भैया, मैं दिमाग लगा रहा हूँ ना, आप फोन लगाइए। ठीक है। नंबर 3 × 9 और फिर 9 याद रहेगा या बादाम खिलाऊं? रजिंदर द साइंटिस्ट, आप अपना मैसेज बीप के बाद छोड़ दीजिए। ओहो, इसका तो मैसेज भी पंजाबी स्टाइल में। ओहो, ये इंडिया और उसकी डाइवर्सिटी, घंटा गया हूँ मैं तो। ए मितेशिया, ए प्रीतेशिया। अरे बाप रे, दादी आ रही है। हाँ तो? तो मितेश यार, मितेश क्या हो गया है? अरे मितेश भैया, रूम को ऐसी हालत में देख लिया ना, तो मार पड़ेगी आपको। अरे जल्दी साफ सफाई करो। हाँ। हाय हाय, ये बच्चों के पीछे भाग भाग के मेरे पैर तो हाथी जैसे हो गए हैं। हाथी? भैरवी, अब क्या मुझे गन्ना खिलाएगी? अरे मेरे कहने का मतलब है, सूज गए हैं। ये भगवान, अल्लाह मितेश, अल्लाह प्रीतेश। और अरे दादी,
पिछले 2 घंटे से मैं पढ़ाई में इतना खो गया हुआ था ना कि आप ध्यान ही नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए बा जब हम 3-4 बार ही आए ना तो ये हमें दिखा नहीं। अभी खोया हुआ था तो दिखेगा कैसे, लेकिन अब मिल गया है इसलिए दिख रहा है। देखो ए प्रीतिया, तू इसका होमवर्क करता है? दादी, मैं अपने से ऊंची क्लास का सवाल कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? अबे जा जा खोटाड़ा, पिछले हफ्ते इसकी साइंस की एग्जाम में इसकी बेंच के नीचे बैठ के तू इसके साइंस का पेपर सॉल्व कर रहा था। दादी, मैंने अपने साइंस के पेपर खुद सॉल्व किया है। अच्छा? हाँ। ठीक है, तो तू मुझे ये बता कि चांद पर पहला पैर किसने रखा? अपना नील आर्मस्ट्रांग। अब बता दूसरा पैर किसने रखा? बा दूसरा भी नील आर्मस्ट्रांग भाई ने रखा। रॉकेट था, रॉकेट था। अभी क्या है ना, एक पैर पे कितनी देर खड़े रहते हैं बेचारे, और वो भी चांद पे, थक जाते हैं ना। कोई और दूसरा मुश्किल सवाल पूछिए ना। मुझे और एक आइडिया दूं? किचन में जाके मेथी पापड़ की सब्जी बनाने बैठ तो बराबर। तेरी किटे था था। ए टिंकू मास्टर, तू पहले मुझे ये बता कि तू 2 घंटे से था कि डर? अब नीचे चलिए, सब बताता हूँ। आपके घुटने पे दर्द है ना? अरे नीचे जाने से घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा? हाँ। ए? आप नीचे जाओगे ना तो नीचे बाम है ना, बाम मैं आपको लगाऊंगा ना, ठीक हो जाएगा। चल आज तुझे मैं नीचे जाके पूछती हूँ। रख इधर ये भगवान, अभी उसे उठा। अरे उसे नहीं चक्कुड़ी, ये भगवान दोनों सर के, इसको उठा। मिसेस भैया, वो लाल बुक जरा संभाल के रख देना। ए चल ले बुक वाली, बहु मोटो भणेसरी ना जोयो होय तो। शरद, तुम्हें शरद कहाँ गया? शरद को भेजना था मुझे लाल द्रव्य लाने के लिए। शरद, तभी प्रीतेश उस साइंटिस्ट को ताई 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 करके सब बता देगा। मैं जाता हूँ और लाल द्रव्य मांगे लाता हूँ। कहाँ जा रहा था? केचप मांगने जा रहे हो? थोड़ा केचप दीजिए, क्या प्यास लगी है ना, थोड़ा पीना चाहता हूँ। इंसान ऐसे केचप पीते नहीं है, समोसा या सैंडविच डुबो के खाते। प्यास लगने पे ना इंसान रोज शरबत या फिर खास। ओहो, क्या पीने से प्यास बुझती है और समोसा और सैंडविच किसमें डुबो कर खाते हैं, इस पर चर्चा विमर्श हम बाद में करें। मत माता, एक काम, हम दोनों चलते हैं, हम दोनों मांग के लाते। क्या मुझे बताएंगे? अरे कुछ बोलेंगे ना, तुम चलो तो सही। शरद को बताओ। अरे चाचा, मैं जाकर वो लाल द्रव्य लेकर आता हूँ। वो मैंने मिसेज भैया का होमवर्क नहीं किया, वो तो उनकी हैंडराइटिंग गंदी है ना, इसलिए मैंने उनको अच्छी हैंडराइटिंग में लिख के दिया है। अबे जा जा बे, मेरे सामने होशियारी मत मार। ये तेरी शिकायत करते हुए मितेश की क्लास टीचर घर पे आने लगी है, बोल। ये देख मितेश की क्लास टीचर का फोन। हाँ, बेचारी हड़बड़ी में यहाँ भूल गई होगी। हे भगवान। बा अगली बार आएगी ना शिकायत करने तो उसे दे दूंगी मैं। फिर भी ये फोन मेरा है, उस पे मितेश की क्लास टीचर का फोन आया है। तो बराबर। जाने जाने बहन, मेथी पापड़ की सब्जी बनाने। हाँ। भगवान, लो कट गया। हंस मितेश, तू अभी के अभी ऊपर जा, तेरी और प्रीतेश दोनों की सारी किताब लेकर नीचे आ, मेरे सामने बैठ के होमवर्क करो तुम दोनों। जब तक ये बाबा इधर ऐसे लेटा रहेगा ना, तुम लोगों को होमवर्क करना पड़ेगा, समझा कि नहीं? मतलब 22 घंटे? हाँ, जा। हेलो, नमस्ते। हेलो,
आ गए भैरवी के नए मम्मी पापा। अरे वर्षा बहन, कल जो छोले बनाए थे ना। अरे बाबा, ऐसी बात मत लेना, पहले मुझे इनसे कुछ पूछना है। श्री श्री घोटाला जी, वो डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला एजेंट आया था आज रॉनी के घर, बड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। कौन सा एजेंट? वही जिसने आपको पहचानने से इनकार किया था पार्टी में। हम उस एजेंट को तो कल पहली बार मिल रहे थे। अच्छा? हाँ, और मैं तो कभी गई नहीं उनके ऑफिस में। मतलब आप गए थे? अरे ए, ए, पापा, तू क्या ऐसा शेरलॉक होल्मस की तरह इनके पूछताछ कर रहा है? नहीं नहीं बा, एक मिनट। पापा, इन्होंने एजेंट से डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, ये लोग तो सूर्य नगर से लाए है। अच्छा तो बताइए, आपके रेशन कार्ड पर किस किस देश के थप्पे लगे? बोलिए बोलिए। दादी, आप कुछ नहीं बोलेंगे? ठीक है भाई। बताइए, खड़े क्या हैं? राशन कार्ड पे नहीं होते हैं देश के थप्पे, पैन कार्ड पे होते हैं। चकुरी, जाके मेथी पापड़ की सब्जी पे ध्यान दियो। तो बराबर। तेरी किटे था था। और आप क्या है कर रहे? पैन कार्ड पे नहीं, पासपोर्ट पे देश के थप्पे लगते हैं। हाँ, वो पैन कार्ड का पो, पासपोर्ट का पो, इसमें थोड़े कंफ्यूज हो गए, इसलिए वो हाँ निकाल गया। अरे अरे, ए मितेश, कब से बोल रहे हो तुझे जाके चौपड़िया लेके आना, मैं होमवर्क करवाती हूँ। हाँ दादी, जाता। जा जल्दी, टाइम पास कर रहे। अरे ए घोटाला भाई, क्या काम था? लो भाई शक्कर। ये नमक, नमक मांगने दो लोग थोड़ी जाते। शक्कर मांगने आते दो जन। जा बेटा, जाके देख तो इस्त्री वाला आया है कि नहीं। कब से राह देख रही हूँ मैं इस्त्री वाले की। लेकिन इस्त्री वाले, इस्त्री हैं? इस्त्री चाहिए। हाँ, इस्त्री चाहिए। ओहो, जल्दी दीजिएगा, मेरे घर का गैस खत्म हो गया है। हैं? गैस खत्म हो गया तो इस्त्री। बची हुई रोटी के खाखरे बनाने होंगे या पापड़ सेकने होंगे। भैरवी, तू पापड़ इस्त्री से सेकती है क्या? हाँ। वा, 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 वा। और दो इस्त्री से टोस्ट सैंडविच। अच्छा, दिखा। ये देखिए बा, एक भी क्रीज नहीं है। घोटाला भाई, इसे आप गोद ले लो ना, स्त्री के साथ भैर भी एकदम फ्री है। हाँ? चल अबे ले ले, वर्षा ले ले, स्त्री ले ले। नहीं नहीं, स्त्री नहीं चाहिए। स्त्री नहीं चाहिए तो अभी क्या चाहिए? लो पाचा पड़ गया। बड़ा ये भगवान, नहीं काट। आपका घर, घर घर चाहिए? नहीं नहीं नहीं, घर घर। ये जो सीढ़ियां है ना, सीढ़ियां चाहिए। नहीं सीढ़िया नहीं। घोटाला तो गए। ये जो सीढ़िया ऊपर जाती है ना, ना ऊपर, वो ये वो साबुन। नहीं नहीं, साबुन कैसे? साबुन नहीं, रेड वॉइल लेने आए हैं। वो और भी और कुछ होता है वो। वो मिलेगा आपको, वो होता ना वो सीलिंग फैन। हाँ हाँ, सीलिंग फैन। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग निकाल लेंगे। बैठिए आप, कोई बात। अरे भाई भाई, एक मिनट एक मिनट, ऐसे कोई सीलिंग फैन लेके नहीं जा सकता। बाबा, ये लोग हमारे घर का सीलिंग फैन लेके जाए, उससे पहले वो बैटरी वाला फैन इनको दे दे जा। नहीं तो अभी सीलिंग फैन भी नहीं चाहिए। पूरे अभी सीलिंग फैन भी नहीं चाहिए। हाँ। आते बोलो ना भाई, कुछ लाल रंग का चाहिए।